स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, डॉग्स को इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है। कुछ स्टडीज के मुताबिक ह्यूमंस के लिए डॉग्स का प्रेजेंस इतना कंफर्टिंग और ईज प्रोवाइडिंग होता है कि इसकी तुलना थेरेपीज से भी की जाती है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि डॉग्स की कंपेनियनशिप ने उन्हें अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और इश्यूज से बाहर निकालने में मदद करी है। लेकिन 3 महीने पहले यूपी के लखनऊ शहर से एक ऐसी चौंका देने वाली घटना सामने आई जिसने लोगों के इस बिलीफ पर ही सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि लखनऊ में एक पेट डॉग ने अपने ही 82-year-old फीमेल ओनर को जान से मार दिया। ओनर का नाम सुशीला त्रिपाठी था और वो लखनऊ में ही अपने बेटे अमित त्रिपाठी के साथ रहती थी, जो कि बाय प्रोफेशन एक जिम ट्रेनर होते हैं। अमित ने घर में 2 डॉग्स रखे थे, एक पिटबुल और दूसरा लैब्राडोर। ये दोनों ही डॉग्स अलग अलग ब्रीड से बिलोंग करते हैं। महिला पर अटैक करने वाला डॉग पिटबुल था, जिसका नाम ब्राउनी बताया जा रहा है। ब्राउनी को महिला के परिवार ने 3 साल पहले अडॉप्ट किया था। घटना वाली शाम मिसेस सुशीला घर पे अकेली थी। अचानक से उनके नेबर्स को ब्राउनी के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद घर के भीतर से मिसेस सुशीला की चीखने की आवाज आती है। आवाज सुनकर आसपास के लोग सुशीला त्रिपाठी के घर में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण कोई भी मदद के लिए घर के अंदर नहीं घुस पाता। बाद में जब अमित अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि घर में हर जगह खून के निशान हैं और उनकी माँ खून में लथपथ पड़ी हुई है। वो फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि डॉग ने महिला की बॉडी में 12 जगह सीरियस इंजरी पहुंचाई थी और एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण उनकी जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल फैल जाता है और घटना के 2 दिन बाद लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स उस डॉग को शहर से दूर ले जाते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक और केस हरियाणा के रेवड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिला, जहां एक महिला और उनके 2 बच्चों पर एक और पिटबुल डॉग ने अटैक कर दिया, जिस वजह से वो महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में पेट डॉग बाइट के इंसिडेंट्स काफी इंक्रीज होते जा रहे हैं। खास करके दिल्ली और दिल्ली एनसीआर रीजन में इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। एक प्राइवेट रिपोर्ट के मुताबिक और उससे लगे इलाकों में हर दिन एवरेज 100-120 डॉग बाइट के इंसिडेंसेस अकर होते हैं। कभी किसी अपार्टमेंट के लिफ्ट में, कभी पार्क या गार्डन जैसे कॉमन प्लेसेस में, तो कभी खुद के ही घरों में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इनमें से कई इंसिडेंट्स सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड भी हुए हैं और फिर इन वीडियोस के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के मन में इंसान के सबसे वफादार दोस्त के खिलाफ डर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया में जितने भी पेट डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उनमें से पिटबुल डॉग से रिलेटेड केसेस की संख्या सबसे ज्यादा है। डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 45% रिपोर्टेड डॉग बाइट केसेस पिटबुल द्वारा किए गए हैं, जिसमें या तो विक्टिम की मौत हो गई है या फिर वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डॉग बाइट के इसी गंभीर समस्या पर चर्चा करेंगे, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि जिसके पीछे कुछ समय में पिटबुल बाइट केसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पेट ओनर्स की इस रिगार्ड में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और डॉग बाइट के केसेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS4 के केस स्टडी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी आईक्यू आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी आईक्यू यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14th of November इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले 3 महीनों में 2 दर्जन से भी ज्यादा पिटबुल अटैक के केसेस सामने आए हैं। इस लिहाज में पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पीटा ने, जो कि एनिमल इश्यूज पे फोकस करने वाला एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को जुलाई में एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि अक्सर लोग पिटबुल जैसे डॉग्स को उनके एग्रेसिव नेचर की वजह से पालते हैं।
पिटबुल्स बुली ब्रीड से बिलोंग करते हैं और ओरिजिनली इन्हें बुल एंड बियर बेटिंग के लिए ब्रीड किया जाता है। बुल एंड बियर बेटिंग इंग्लैंड में एक मशहूर स्पोर्ट हुआ करता था, जिसमें एक बंधे हुए बुल या बियर पर डॉग से अटैक करवाया जाता था। हालांकि इस गेम के क्रूअल नेचर के कारण इसे ईयर 1835 में एक पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू पूरे इंग्लैंड में बैन कर दिया गया था। लेटर के जरिए पीटा ने मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स 2017 को अमेंड किया जाए और ऐसे एग्रेसिव फॉरेन ब्रीड्स की ब्रीडिंग पर बैन लगा दिया जाए। कई एक्सपर्ट्स पीटा के इस बात पे एग्री करते हैं कि पिट बुल्स इनहेरेंटली एग्रेसिव नेचर के होते हैं। उदाहरण के तौर पे तंद्राली कुली, जो कि फ्रेंडिकोइस नाम के एक एनिमल केयर वाले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हैं, वो बताती हैं कि पिट बुल्स बुलडॉग्स और टेरियर्स नाम के दो डिफरेंट ब्रीड के डॉग के क्रॉस ब्रीडिंग से ओरिजिनेट हुए थे। इसी वजह से इनमें बुलडॉग्स की स्ट्रेंथ और टेरियर्स की टेनासिटी दोनों मौजूद होती हैं। यदि पिटबुल्स कोई काम करने की ठान लें तो वो उसे करके ही रहते हैं और यही कारण है कि उन्हें बुल फाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बुल फाइट्स बैंड होने के बाद उन्हें एरिना में डॉग फाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन बाद में उनकी ह्यूमन फ्रेंडली नेचर को देखने के बाद लोग उन्हें फैमिली पेट्स की तरह रखने लगे। हेलन केलर, थियोडोर रूजवेल्ट, थॉमस एडिसन, मार्क ट्वाइन, इन सब के पास पिटबुल डॉग्स थे। हालांकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि पिटबुल्स एग्रेसिव होते हैं। स्टैटिस्टिकली वो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस डॉग्स प्रूव हो चुके हैं, लेकिन एनिमल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम डॉग के एग्रेसिव नेचर से ज्यादा डॉग ओनर्स के साथ है। एरोन डिसिल्वा, जो कि दिल्ली NCR बेस्ड एक पेट बिहेवियरिस्ट हैं, बताते हैं कि आज इंडिया में पिट बुल्स और रॉटवाइलर जैसे बुली ब्रीड डॉग्स को ओन करना ट्रेंड बन चुका है। ओनर्स के लिए ऐसे माचो डॉग्स ओन करना उनके स्टेटस सिंबल का पार्ट बन चुका है और सही मायने में उनके पास ऐसे डॉग्स की क्या नीड्स और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी कोई भी नॉलेज नहीं है। पिट बुल्स और रॉटवाइलर्स नेचुरली हाई एनर्जी लेवल वाले ब्रीड्स होते हैं और इसीलिए इन्हें गुड अमाउंट में रनिंग टाइम और एक्सरसाइज की जरूरत होती है, और यदि इन्हें अपनी एनर्जी नहीं रिलीज करने दी जाएगी और स्पेस नहीं मिलेगा तभी डिस्ट्रक्टिव और एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप करने लगते हैं। कन्फाइंड स्पेस में रहने के कारण वो रेस्टलेस एक्ट करने लगते हैं और बिना किसी वजह के यूं ही ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ तक कि इंसानों के ऊपर भी जंप करने लगते हैं। इस वजह से जिन लोगों के पास बड़ा बैकयार्ड या ओपन स्पेस नहीं होता उन्हें ऐसे ब्रीड्स को ओन करने के डिसीजन को रिकंसीडर करना चाहिए। लार्ज ओपन स्पेसेस के अलावा ऐसे डॉग्स को ट्रेनर्स द्वारा ट्रेनिंग की और अच्छे सोशलाइजेशन की भी बहुत जरूरत होती है, जो कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द ओनर्स नहीं दे पाते। जाहिर तौर पे इन डॉग्स को ओन करना काफी एक्सपेंसिव है और सिर्फ मनी के टर्म्स में ही नहीं बल्कि ऐसे डॉग्स को घर में रखने के बाद ओनर्स को इनमें अपने टाइम और एफर्ट्स इन्वेस्ट करने की भी जरूरत होती है। यदि इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं और एग्रेसिव बिहेव करने लग जाते हैं। एक्सपर्ट्स फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स को पिटबुल्स, जर्मन शेफर्ड्स और रॉटवाइलर्स जैसे बुली ब्रीड्स को ओन करने के लिए स्ट्रिक्टली फॉरबिड करते हैं। पिटबुल्स अटैक के इंक्रीजिंग नंबर को देखते हुए कानपुर, पंचकुला और हाल ही में गाजियाबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों के पिटबुल्स, रॉटवाइलर्स और डॉगो अर्जेंटिनो डॉग्स ओन करने पे बैन लगा दिया है। यदि इन शहरों में कोई भी इंडिविजुअल इन बैंड एनिमल्स को घर में रखे पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट पीनल एक्शन लिया जाएगा और उसके पेट डॉग को लीगल अथॉरिटी अपने कब्जे में ले लेगी। गाजियाबाद में जो लोग इन्हें पहले से ही ओन करते हैं उन्हें इन डॉग्स को रखने की परमिशन दी गई है, इस शर्त पे कि वो विद इन 2 मंथ्स अपने पेट्स की स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करा लेंगे। हालांकि डॉग लवर्स गवर्नमेंट के इस डिसीजन से बहुत अपसेट हैं और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम इन ब्रीड्स में नहीं है बल्कि इनके ओनर्स में है, जो इन्हें अच्छी सोशलाइजेशन और ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। इसलिए इररिस्पॉन्सिबल ओनरशिप को ब्लेम करना चाहिए, ना कि डॉग्स की ब्रीड्स को। सर्टेन ब्रीड्स को शहर के अंदर बैन करना रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर्स और उनके पेट डॉग्स के अगेंस्ट इनजस्टिस है। कई एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि सर्टेन ब्रीड्स को बैन करना पेट डॉग अटैक्स को कम करने का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी भी ब्रीड का डॉग बाइट कर सकता है और एग्रेसिव होने पर ऐसा करता भी है। इसके अलावा जो ब्रीड्स एग्रेसिव और डेंजरस डिक्लेयर करके बैन किए गए हैं वो टोटल पेट डॉग पॉपुलेशन का कुछ ही परसेंट हिस्सा है। इसलिए डॉग बाइट्स के केसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेक्शन की ओर, जहां हम पेट डॉग मेनियक को कंट्रोल करने के वेज पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सभी पेट डॉग ओनर्स के लिए अपने डॉग्स की रजिस्ट्रेशन, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन कंप्लीट कराकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से डॉग लाइसेंस ऑप्टेन करना मैंडेटरी होना चाहिए। साथ ही इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस की होनी चाहिए कि उनके हाउसिंग सोसाइटी में सिर्फ रजिस्टर्ड, स्टेरिलाइज्ड और वैक्सीनेटेड डॉग्स ही रह रहे हैं।
और किसी भी अनरजिस्टर्ड डॉग के पाए जाने पर उन्हें फौरन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रिपोर्ट कर देना चाहिए। यदि कोई पेट डॉग किसी पर्सन के ऊपर अटैक करता है और उस पर्सन को किसी भी वे में हार्म पहुंचाता है तो पेट डॉग के मिसबिहेवियर के लिए पेट ओनर्स को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल ले जाने की और उसके मेडिकल एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी पेट डॉग ओनर्स की होनी चाहिए। ऐसा करने पर यदि इंजर्ड पर्सन पेट ओनर के अगेंस्ट पुलिस में केस फाइल कर देता है तो पेट ओनर को आईपीसी सेक्शन 289 के तहत 6 मंथ जेल और ₹1,000 तक की फाइन भी हो सकती है। इसके अलावा डॉग ओनर्स को अपने डॉग को अकेले वॉक करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए और घर से बाहर ले जाते वक्त यह इंश्योर करना चाहिए कि उनके डॉग के गले में पट्टा हो जिससे कि वो इजीली कंट्रोल किए जा सकें। साथ ही डॉग्स को बाहर ले जाने के लिए पेट डॉग ओनर्स को लिफ्ट का यूज अवॉइड करना चाहिए और यदि लिफ्ट यूज करें तो वहां मौजूद लोगों से पूछ लें कि वो कंफर्टेबल हैं या फिर नहीं। इसके अलावा RWAs डॉग्स को वॉक पे ले जाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट डिसाइड कर सकती है जिस वक्त कॉमन एरियाज ज्यादा क्राउडेड ना हों और आसपास छोटे बच्चे नहीं मौजूद हों। RWAs को डॉग्स की डेफिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक एरिया डिसाइड करना चाहिए जिससे वो कॉमन स्पेसेस में गंदगी ना फैलाएं। इसके अलावा अपने पेट डॉग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी डेफिकेशन को क्लीन करना और उन्हें हर रोज एक्सरसाइज कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेट ओनर की होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने पेट डॉग के बिहेवियर में किसी भी तरह का चेंज ऑब्जर्व करता है जैसे कि डॉग का हाइपर एक्टिव हो जाना, एक्सेसिव लेजी हो जाना, अचानक से किसी भी चीज पर जंप करने लगना तो उसे फौरन बिहेवियर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ये पता लगाने के लिए कि उनके पेट डॉग के साथ क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी भी पर्सन को डॉग अडॉप्ट करने के पहले डॉग स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ही ब्रीड चूज करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जो लोग स्मॉल अपार्टमेंट में रहते हैं और जिनके पास लार्ज ओपन स्पेस की एक्सेस नहीं है उन्हें हाई एनर्जी लेवल वाले डॉग्स जैसे रॉटवाइलर को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक एनालिसिस इंडिया में इंक्रीजिंग डॉग बाइट केसेस पे। हमने अपने वीडियो की शुरुआत कुछ ऐसी ही घटनाओं की चर्चा से की थी जिसने लोगों के मन में डॉग्स को लेकर काफी फियर क्रिएट कर दिया है और सालों से माने जाने वाला बिलीव कि डॉग्स ह्यूमन के सबसे वफादार दोस्त होते हैं इस पर लोगों ने डाउट करना शुरू कर दिया है। लेकिन सच ये है डॉग्स के एग्रेसिव या डिस्ट्रक्टिव होने के पीछे भी ह्यूमन खुद जिम्मेदार हैं। ज्यादातर लोग जो डॉग को अडॉप्ट करते हैं उन्हें डॉग्स के रिक्वायरमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, वो उसे राइट ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन नहीं दे पाते। पेट डॉग ओनर्स को ये बात समझने की जरूरत है कि डॉग की ट्रेनिंग कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जैसे हर एक ह्यूमन की होती है। इसके अलावा आज भी हमारे आसपास डॉग्स से रिलेटेड ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं जिससे ये प्रूव होता है कि डॉग्स ह्यूमन के मोस्ट लॉयल एनिमल होते हैं। और जैसे हम कुछ क्रिमिनल्स के कारण पूरी ह्यूमैनिटी को क्वेश्चन नहीं करते, उसी तरह कुछ केसेस के कारण हमें ये जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए कि सारे डॉग्स इनहेरेंटली एग्रेसिव या डिस्ट्रक्टिव होते हैं। रादर पेट ओनर्स को उनके पेट्स की सही अपब्रिंगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इम्पोर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, एज्यूम दैट यू आर द DM ऑफ गाजियाबाद। कंटिन्यूअसली अकरिंग डॉग बाइट केसेस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनरेस्ट एंड फियर अमंग द लोकल रेसिडेंट्स। ऑन द अदर हैंड सम लोकल रेसिडेंट्स स्टार्ट टेकिंग रेडिकल मेजर्स टू डील विद द मेनियक ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड स्टार्ट किलिंग एंड टॉर्चरिंग द डॉग्स। आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स एंड एथिकल इशूज इन्वॉल्व इन द केस। ऑल्सो प्रोवाइड सुटेबल सोल्यूशंस टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।